काफू कहाँ पहुँचे हुए? दृतेशक हुजूर, मैं तो आपके करीब ही हूँ, जरा जाते हुए हुस्न का नजारा कर रहा था। अच्छा ये बात है। मिर्ज़ा इज्जत बेग आइए मेरे कारवा, अगर आपका इरादा हो तो कल सुबह कूच का ऐलान कर दिया जाए। अब हमारा दूसरा पड़ाव गुजरात होगा जो चिनाब के किनारे पर आबाद। बड़े शौक से सामने कौन सी जगह है? ये चिनाब है हुजूर, यही वो चिनाब है जिसके किनारों पर हीरे रांझे की पाकीज़ा मोहब्बत के तराने गूंजते रहे। और ये भी सुना है हुजूर। क्या? किसी जमाने में चिनाब की गोद में परियों के राजा भूतनाथ का खूबसूरत महल खड़ा था, और अब भी कभी कभी चांदनी रात में यहाँ परियों का अखाड़ा उतरता है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं हुजूर, मगर बड़े बूढ़ों से सुना जरूर कि परियां आती हैं, और जिस दिन परियों ने आना बंद कर दिया उस दिन चिनाब सूख जाएगा। कयामत है जो औरत के सांचे में ढली है, अल्लाह का नूर है जो मट्टी के पुतले में बोल रहा है। आप यकीन मानिए हजूर, अगर उसे काफिर देख ले तो मुसलमान हो जाए, और मुसलमान देख ले तो हजूर उस बुत की परस्तिश करना शुरू कर दे। ये बर्तन आपने मुलादा फरमाया? हाँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही नाजुक। इतने नाजुक और हल्के कि अगर फाख्ता के गले में भी बांध दिए जाए तो वो भी उड़कर बुखारे के पहाड़ों तक पहुंच जाए। अब आप अंदाजा कीजिए हजूर कि जिसके खूबसूरत हाथों ने ये बर्तन बनाए होंगे वो खुद कितनी हसीन होगी। काफूर, तुमने हमारे जज्बे शौक को इस कदर भड़का दिया कि अब हम सब्र नहीं कर सकते। हमें इसी वक्त ले चलो, हमें फितरत का वो नादर शाकार दिखाओ ताकि हम अपनी पेशानी पर तड़पते हुए सजदे उसके कदमों पर नछावर करते।
चलो काफूर। तेरी तो शक हजूर, काफूर भी इसी बहाने अपने ईमान को फिर से ताजा कर लेगा। चलिए साहब। मिल गई आपके सरे अजीज की कसम, मिल गई। ये रही जन्नत और वो रहा जन्नत का दरबान। दुकान तो हमारी वाकई जन्नत है। क्यों, क्या बात है, बड़ी देर से घूम रहे हो? जी सुबह भी मैं इसी दुकान पर आया था ना। हाँ इसी दुकान पर आया था, कोई माल दिखाऊं? माल तो बहुत है मगर वो पहले वाला माल नजर नहीं आता। माल तो गर्दा जमा हुआ है। अच्छा साफ सुथरा माल तो हम अंदर रखते हैं। हाँ मगर वो अपने मतलब की सुराई दिखाई नहीं दे रही सरकार। अच्छा माल अंदर है, ये कौन सी बड़ी बात है। लड़की सोनी लाना तो अच्छी अच्छी सुराहियाँ इन मियाँ दिन रात के लिए। लो जी हो चुकी दुकानदारी। अरे तू बर्तन दिखा रही है या तोड़ रही है? हा? ले इनको बर्तन दिखा और मैं सामने वाली दुकान पर जाकर ग्राहकों से निपट लूं। तुम बिल्कुल वही मेरे ख्यालों की जन्नत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी जी हाँ मगर कौन? ये सुराही गर्दन सारस जैसी। जी बिल्कुल जी। जी किसकी? इस सुराही की और कद सर जैसा। उयला किसका? इस गुलदान का। ये सब कुछ आप ले सकते हैं? वो कैसे? कीमत देकर। अगर कोई जान दे दे तो? बर्तनों की कीमत के बदले जान? भला कोई ऐसे भी करता है? अच्छा कौन कौन से बर्तन चाहिए? जो तुम चाहो अपने हाथों से दे दो। बस जी कीमत जो तुम चाहो। जो मैं चाहूं। तेल जी ले लिए बर्तन? जी हाँ आज इतनी काफी है, कल फिराऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा बताओ बर्तन कितने गिने थे? 30 के तो। बारे तेरी गिनती 62 है, पूरे 62। तभी ये साफ कर दूंगा अम्मा। सोने की जा मुल्ला जी के मस्जिद में हिसाब से क्या पीछे बात करता मैं? ये बात है बताओ तो भला गधे के सर पर कितने सींग होते हैं? ये भला कौन सी मुश्किल बात है, दो होती है और कितने? और तुम्हारे सर पर? तभी ये साफ कर दूंगा अम्मा। सोने की बस से आगे कुछ न कहना है। हम गधे हैं, आज फैसला नहीं होगा, अब कभी फैसला नहीं होगा, अब फैसला नहीं होगा। ए सोनी बेटी सोनी जल्दी आना। और मैं कहती हूँ पूरे बात कर। और मैं कहता हूँ कि 3-20 रुपए दो। तुम झूठ कहते हो। हम झूठ कहते हैं? झूठ कहते हो। ओ तुम झूठ कहते हो। जब देखो झगड़ा
मैं कब झगड़ता हूँ? झगड़ती है तुम्हारी ये। देखो बेटी, एक बात का इंसाफ करो, ये जो बर्तन है ना, मैं कहता हूँ कि 3-30 ऊपर दो। और मैं कहती हूँ 62 है। 3-20 ऊपर दो या 62? अरे बात तो एक ही हुई। बिल्कुल ठीक, बात तो एक ही हुई। तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा भी कोई नहीं, वो तेरी माँ को हिसाब नहीं आता ना, इसलिए तबीयत साफ करता हूँ इसकी। अम्मा सोने की। चलो सुला क्या? जाओ जी, मेरी करती है जूती। फिर वही बात, तो मेरा भी करता है लाचा। तुम जाना और तुम्हारी बेटी, मैं तो ये चली। कहाँ चली हो इस उम्र में, खैरी सलाह? मैं ही चला जाता हूँ। लो बेटी, संभालो अपनी अम्मा को। लो और सुनो, देख लिया? चलो छोड़ो माँ, हिसाब के तो तुम दोनों ही पक्के हो। शबनम, अलीजा, ये चनाब के किनारे किन लोगों का काफिला उतरा हुआ है? ये बलख के सौदागर हैं हजूर, जो कालीनों और कीमती पत्थरों का कारोबार करते हैं। सुना है शहनशाह के जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ओ, भाईजान से कहकर इस काफिले के सबसे बड़े सौदागर को हमारे हुजूर तलब किया जाए। वही कुर्बान, हाजिर काने अली। हमारा मगज में वटा। पोचे तुम क्या देखती है भाई, खाली पीली दांत निकालती है। पोचे तुम हमको जानती है? हमारा नाम शेर गुल खान, पितरे दलेर गुल खान, ओम पठान, ए सकना पखाओ, साकिन हाल गुजरात। कुछ हमने ख्वाजा साहब के दरिया का पानी पिया और इसलिए नहीं मरी। दुनिया का जितने आशिक लोग और माशुक लोग गुजरी है, कुछ ईर रांझा और पुन्नू का शक्ति, हमने इन सब का खिदमत किया और अपना आग का टकाने लगाया। कुछ अब इधर आइए, खुदा इन लोग का भी हमारा आग से आग बद खैर करे। हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। ओ कुछ तुम्हारे मकज में बटा, ओ पगड़ी वाला भाई, तुम भी हाथ उठाओ ना। जी खाने आली, जी आने खाली, तो हमारा मकसद में वटा। खाने आली, ये किससे बकबक कर रहे थे शेरगुल? ओहो कुछ नहीं खान बाबा, हम तो दूसरा दुनिया का बात करते थे। वही कुर्बान। शबनम, कनीज आदाब बजा लाती है आलीजा। क्या बात है शबनम? यहाँ बलख के सौदागरों का काफिला आया हुआ है आलीजा। अमीरजादी कुछ जवाहरात मुलाहजा फरमाना चाहती हैं। फरमान हाजिर हुआ आलीजा। हुक्म की तामील है शेरगुल, किसी वक्त किसी को भेजकर उनके सबसे बड़े जौहरी को अमीरजादी की बारगाह में पेश करो। बहुत अच्छा खाने खाना। बलख कजौरी इज्जत दे, जनाब साहिब की खिदमत में हाजिर है। इज्जत बेग, हमें उम्मीद है कि तुम शाही महलात के आदाब से अच्छी तरह वाकिफ हो। बजाय इशारत हुआ। और ये भी याद रहे, तुम्हें हमने बुलाया है और हम कौन हैं वो तुम अच्छी तरह जानते हो। जी, अमीरजादे को कुछ जवाहरात की जरूरत है। उनके हुजूर तुम्हारा सर नगू रहे और जबान अदब के जाब्तों की पाबंद है। हुजूर इत्मीनान रखे। शेरगुल, इन्हें मुनासिब एहतराम के साथ अमीरजादी की बारगाह में पहुंचा दिया जाए। वही कुर्बान खाने अली। चलो भाई। अली वकार बानू, बलख के जहरी मिर्जा इज्जत बेग हजूर की खिदमत में मुजरा बजा लाते। मुजरा पजीर हुआ शबनम, मुअज्जिज मेहमान को हमारी तरफ से खुश आमदीद कहो। अमीरजादी आपको खुश आमदीद कहते हैं। देहे किस्मत, मेरी तरफ से अर्ज करो कि जर्रा नवाजी का शुक्रिया। अदागर कहते हैं हमने सुन लिया, उनसे कहो ये कीमती वक्त रस्मी तकल्लुफात की नजर न करें। शबनम, हम अपनी नजर और सौदागर की सौगात के दरमियान कोई तीसरी चीज हाल देखना नहीं चाहते।
तकल्लुफ बरतरस। तकल्लुफ की जंजीरें काट दी गईं सौदागर, निगाहों को आजाद छोड़ दिया गया, फासले का दामन मिट गया। इरशाद अमीरजादी, मैं हमतन गोश हूँ। सौदागर, हमारे लिए वो सब कुछ पेश करो जो तुम्हारे पास है। ये ताबदार मोतियों का हार, ये अलमास के आवेदे, और ये हीरे जवाहरात, वाकई खूबसूरत। जी बहुत खूबसूरत। जी हाँ जी, कौन? जुमरुद के साथ हीरा, तुम्हें बहुत पसंद है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। ये पुखराज मुलाजा फरमाइए, इसका सानी रूए जमीन पर नहीं। नहीं, यकीन लासानी है, तुम्हारी नजरों में उतर गया है, हमारे दिल में बस गया है। मगर ये अकेला है, तुम इसकी जोड़ी बनाना चाहती हो, जोड़ी तुम्हें मिलानी होगी सौदागर। जी हाँ शौक से, मगर इस वक्त तो हाजिर नहीं। हम तुम्हें वक्त देंगे सौदागर, कल ला सकते हो। बेहतर, अच्छा आप इजाजत दीजिए। इजाजत? इतनी जल्दी? अच्छा कल जरूर आना, जरा सवेरे, कहीं ऐसा ना हो हमें तुम्हारे इंतजार में जहमत उठानी पड़े। आप इत्मीनान रखें। अच्छा खुदा हाफिज़। किसने कहा, किसने सुना? वाह खालू जान, इतनी जल्दी भूल गए? अभी सुबह ही तो कहा था, जाइए ग्राहक ने 400 बर्तन मांगे हैं। 400 बर्तन? ओ तभी ये साफ कर दूंगा। फेंक तेरे, मेरा दिमाग ही उल्टा है। देखो बेटा तुम जाओ, वो ग्राहक फिर आ जाए ना उसे रोक, समझी? आप फिक्र ना करें खालू जान। कहीं ये लौंडिया मुझे चक्कर तो नहीं देगी? नहीं जी, ऐसा कैसे होगा? जरूर कहा मैं ही भूल गया। क्यों, मानती हूँ उन्हें, कैसा चक्कर दिया हमीदा। मैं जरूर भूल गया, भूल गया। तेरी कसम सुनी, अगर मैं औरत ना होती तो वली होती। तेरी दुकान बड़ी मुबारक है, देखो सच में जा गया। ले, मैं खिसक जाती हूँ और तू अच्छी तरह दिल की लगी बुझा ले। न्याजमन आदाब बजा लाता है। आओ पर देखी, बड़ी राह दिखाई दे। सच, तुम्हें इंतजार था मेरा? अच्छे खरीदार का किसको इंतजार नहीं होता। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे बर्तन निकाल रखे हैं। ये प्याला देखो कितना नाजुक है, और ये कढ़ाई मैंने अपने हाथों से बनाई है। इन हाथों की बलाएं लेने को जी चाहता है। इस गुलदान को दे। बस सिर्फ बर्तन ही दोगी हमें? अल्लाह, और क्या चाहिए तुम्हें? इन होंठों की मुस्कुराहट। मैं समझी नहीं, जरा खुलकर कहो। जो मांगूंगा दोगी? मैं तुमसे तुम्ही को मांगता हूँ, सुन। तुम बड़े वो हो, तुमने मेरा नाम तो जान लिया लेकिन आज तक अपना नहीं बताया। माँ बाप ने तो मेरा नाम इज्जत रखा था, पर अब मुहब्बत है। बड़ा प्यारा नाम है, तुम कौन हो, कहाँ से आए? फलक से आया।
हीरों का सौदागर हूं और मोहब्बत का खरीदार। अब दिल बेचने निकला। कब तक यहाँ रहोगे? जब तक तुम चाहो। मैं? जी, दिल तुमने खरीद लिया तो दिल के साथ मैं भी यही रह जाऊंगा। अच्छा, क्या दाम लोगे इस दिल के? प्यार की एक नजर और वफा का वादा। ये दिल बाद में फूटा तो नहीं निकल आएगा? मेरा चचा आ रहा है। ये कीमत इन बर्तनों की? फिर कब आओगे? जब तुमने याद किया और मुझे हिचकी आई। तो फिर ये हिचकी पल भर नहीं रुकेगी, याद रखना। सलाम अलैकुम चचा। वालेकुम सलाम। मिजाज कैसे है ना? क्या आज कुछ और बर्तन खरीदे? जी रकम तो दे दी है ना? जी हाँ, हम आपके पक्के ग्राहक बन चुके हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये दुकान ही आपकी है। अब तो हर रोज का आना जाना लगा रहे। जरूर आइए, जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा ये कौन है, ये इतने बर्तन खरीद कर क्या करेगा? कहीं हमारे मुकाबले में दुकान तो नहीं खोल लेगा? लड़की, मैंने कहा सुनती हो? जी जी हाँ, जी नहीं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। मेरी तो ये आरज़ू है कि तुम्हारी दुकान पर मेरे सिवा और कोई ग्राहक ना आए और मैं हर वक्त तुमसे बर्तन खरीदता रहूं। और मेरी भी यही तमन्ना है कि अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथों बेच दूं। मगर आखिर कब तक बर्तन खरीदते रहोगे और मेरे लिए अपनी दौलत बर्बाद करते रहोगे? मैं तो तुम्हारे लिए अपने आप को भी बेचने के लिए तैयार हूं। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया है। जी चाहता है कि तुम हर वक्त इसी तरह मेरे सामने रहो, मैं तुमसे बातें करता रहूं और ये बातें कयामत की शाम से पहले खत्म ना हो। और मैं भी तुम्हारे नाम के सिवा दुनिया की हर शय को भूल चुकी हूँ। मेरे ख्यालों में तुम, यादों में तुम, वो इरादों में तुम। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या हो गया है, क्यों हो गया है और इसके बाद क्या होगा? होगा क्या, वही होगा जो होना है। बेटी, मगर ये बात तू किसके बारे में कर रही थी? चाचा, ये है ना अपने व्यापारी, इनको बेशुमार सुराहियों की जरूरत है। हाँ। और अपने पास माल ही नहीं। ए, ये कौन सी बात है, ये खरीदने वाले बने, अब की बार हम आवे का भाई सुराहियों का चढ़ा देंगे माल बहुत। अच्छा, एक दो दिन में बता दूंगा। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, ये आदमी कुछ मुझे ऐसा ही मालूम होता है, कहीं इसकी नीयत तो खराब नहीं? चाचा, तुम्हें तो हर एक पर ऐसे ही शक हो जाता है। दरअसल तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है। बादामों की सरदाई पिया करो। सरदाई पिया करूँ? तेरे बाप का घोट का सर न पी जाया करूँ? वो मोटा कंजूस मक्खी चूस एक पैसा तो मुझे फालतू देता नहीं है, सरदाई कहाँ देती हूँ। अरे चाचा, लो मैं देती हूँ। अरे जी जी रहो, मजे करो। खुदा तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। इज्जत मिर्जा, इज्जत पे ये सुनकर आपको खुशी होगी कि हाथ में गुजरात ने हमें आगे बढ़ने के लिए परवाने रादारी दे दिया। जी, परवाने रादारी? जी हाँ, अब हमें कल सुबह यहाँ से कूद कर जाना होगा ताकि शहनशाह के जश्न में शामिल होने के लिए हम वक्त पर दिल्ली। वो बलख का सौदागर फिर क्यों नहीं आया शम्मू? मुझे तो बड़ा होशियार आदमी मालूम होता है सरकार। शायद वो इस तरह रुक रुक कर आने से हजूर के शौक को और भड़काना चाहता है। शौक की आग तो इतनी भड़क चुकी है शम्मू कि उसके शोलों में हमारा सब्र करार भी चलने लगा। हम आठों पहर उसी के तसव्वुर में खोए रहते हैं। हमारी नजरें उसे हर वक्त अपने सामने देखना चाहती हैं। ताज्जुब की बात है
वो इतना कीमती माल छोड़कर चला गया और फिर कीमत भी तो नहीं लेने आया, वो रहता कहाँ है? आखिर कौन है जो उसे यहाँ आने से रोकता है? क्या जानिए हजूर, मैंने कई बार उसे मट्टी के बर्तन ले जाते देखा है। यही अजीब बात नहीं कि वो हीरे और जवाहरात के बदले मट्टी खरीद रहा है? मर्द के मिजाज और अंतिक में कोई फर्क नहीं होता सरकार। शबनम, तुम्हारी शौकी और वफादारी हमारे किस दिन काम आएगी? जिस दिन हजूर चाहे तो आज ही जबेब को हमारे पास बुलाना। बहुत अच्छा, मैं अभी जाती। शबनम, उसे कहना अमीरजादी तुम्हें बहुत याद करती है और उसे कहना उन्होंने तुम्हारी दावत की है। उसे कहना तुमने अपना वादा वफा नहीं किया और उसे कहना बस बस बाकी सब कुछ आप खुद ही कह लीजिएगा, मैं अभी बुलाए लाती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, पड़ गया जो इश्क के चक्कर में चक्कर हो गया, दाढ़ी मूछे मुंड गई, पूरा कलंदर हो गया। अबे बंदर कहीं के यूं नहीं यूं, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। क्या है बे? कुछ नहीं हुजूर, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आया। कहाँ चले? ये तो हुजूर मुझे खुद भी इलम नहीं। बंदा हाजिर है, क्या हुक्म है? और बंदी भी हाजिर है, फरमाइए। ए, तुम्हारा नाम? मेरा नाम काफूर। कितना प्यारा नाम है, कितनी खूबसूरत हो तुम। जिंदगी में पहली बार एक खूबसूरत औरत ने ऐसी बातें की हैं। प्यारी काफूर, दरअसल उस दिन तुम महल में आए थे ना, तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, जिसकी मैं माफी मांगने आई हूँ। दरअसल वो तुम्हारा इम्तिहान था। इम्तिहान था? सर, दिल नहीं मानता। ए, दिल क्यों नहीं मानता? इसका सबूत ये है कि आज रात तुम हमारे यहाँ दावत में आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। किस्मत देखना, घूमने नहीं तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। हाँ ना ना, ये नहीं करना, नहीं तो मैं भी अपने आका का हीरा चाट के जान दे दूंगा। हाँ और हाँ, वो तुम्हारे आका है ना, उनको भी साथ लाना। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। वादा वादा इजाज़त। सौदागर, तुम जवाहरात सिर्फ बेचना ही जानते हो या खरीदना भी? जी हाँ, अगर कोई दुर्रे नायाब मिल जाए तो उसे खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत पेश कर सकता हूँ। अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ। इतनी जल्दी इस कदर हसीन फजा को छोड़कर? जी, मुझे जरूरी जाना है। लेकिन फिर कब? जब आप याद फरमाएं। अमीरजादी, हम लुट गए सौदागर। अमीरजादी, अमीरजादी, शाही महल का हीरा बिनकीमत बिक रहा है सौदागर, इसे खरीद लो। अमीरजादी, मैं नकली हीरे और झूठे मोती नहीं खरीदा करता। जिसने कोहिनूर देखा हो उसकी नजर कांच के रेजों पर नहीं ठहर सकती। सौदागर, मुझे समझने की कोशिश करो, इन पलकों में झांक कर देखो जिनके पीछे मुस्कुराती हुई जन्नत तुम्हारी मुंतजर है। इस दिल पे हाथ रख के देखो जिसमें सिर्फ तुम्हारे ही नाम की सदा आ रही है। इन बाहों की तरफ देखो जो तुम्हें आगोश में लेने को तड़प रही है। जिसने खुदा का नूर देखा हो वो दुनिया के तमाम बुतों को पत्थर समझता है अमीरजादी। अब न जाओ सौदागर, इस शाही महल की अजमत, मेरे खानदान की दौलत और मेरी उल्फत सब कुछ तुम्हारे लिए है। इन सब के बदले मुझे अपना प्यार दे दो। रेशमी कालीनों पर मोहब्बत के पांव छिल जाया करते हैं अमीरजादी, वो खुरदरी चट्टानों पर आराम की नींद सोती है,
मोहब्बत वालों को महल नहीं वीराना चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी सारी जिंदगी वीरान करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद एक वीराना बन जाऊंगी सौदागर। आज तक किसी ने पत्थर के जिगर से लहू टपकते नहीं देखा अमीरजादी। इज्जत के सीने में एक दिल है जिसे टुकड़े करके बांटा नहीं जा सकता। इज्जत अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता, अपने महबूब के एतबार को धोखा नहीं दे सकता, और अपने महबूब के एतबार को धोखा देकर अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। हटिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे सब्र करार की खिदमत में आग लगा कर न जाओ। मेरे दिल का नाजुक शीशा चकना चूर न करो। दिल ही तो है, मोती नहीं जो टूट कर जुड़ भी सके। मैं नहीं जानता था कि हाक में गुजरात की बहन इतनी बेबाक भी हो सकती है। हटिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी मोहब्बत की इबादत सदा हो रही है। संग दिल इज्जत, पत्थरों की सौदागरी में तुम्हारा दिल भी पत्थर हो चुका। लेकिन मत भूलो, औरत कभी दिल खोलकर मोहब्बत नहीं करती, और जब एक बार वो ये जुरत कर बैठती है तो फिर चाहती है कि उसे हर कीमत पर कबूल किया जाए। औरत जिस कदर मोहब्बत कर सकती है उसी कदर नफरत भी करना जानती है। डर उस वक्त से कि औरत का जज्बा इंतकाम बेदार हो जाए। जो मोहब्बत नफरत और इंतकाम में ढल जाए वो मोहब्बत नहीं वहशत है, और जो औरत नागन का रूप बदल सकती है उसे नफरत को भी नफरत करनी चाहिए। इज्जत, तुम बकरी हुई नागन के सर पर पैर रख कर चले तो हो, लेकिन याद रखो उसकी फुलकार तुम्हें जलाए बगैर ना रह सकेगी, कि दांत तुम्हें डसे बगैर ना छोड़ेंगे। बेरहम, तूने ठोकर मारकर आखिर इस गुस्से को जगा ही दिया जिसने औरत की नफरत में परवरिश पाई। शबनम, अस्फहानी को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। अस्फहानी, आज हम तुम्हारी वफादारी को एक नई आजमाइश में डालना चाहते हैं। इरशाद फरमाइए, हुक्म हो तो गुलाम अपना सर काट कर हुजूर के कदमों में डाल दे। हमें अपने दुश्मन के सर की जरूरत है अस्फहानी, जिसने हमारे गजब की शिद्दतों को ललकारा। दुश्मन? आप कौन है वो शामजदा जो अजल को मेहमान बनाना चाहता है? तुम जानते हो जनाब के किनारे बलख के सौदागरों का एक काफिला उतरा हुआ है। जी हाँ। बस बगुले की तरह जाओ और उन सौदागरों के डेरे पर तूफान बनकर छा जाओ, यहाँ तक कि उनका निशान बाकी न रहे। फरमान की सब सत्ता नील होगी बानो इनामदार। अस्फहानी की तलवार उस वक्त तक म्यान में वापस न आएगी जब तक आपके माथे की शिकन न खुल जाए। Thank you.
चमकी, अरे ओ चमकी, कानों में रोई ठूस रखी है क्या? ज़ज़ा, चमकी वाला, तेल मालिश पाल साहब। ओहो अजाम का बच्चा, ओहो चमकी जान, दिल भर जान, यो नजर माता गोरा। चल चल, क्या बात है मां, तुम तो खामखा चिल्लाती रहती है। बोलती कैसे हरी? अल्लाह की शान, अभी से ये नखरे, टाट की अंगिया, मूंज का बकिया, देखो रे सांवरिया मैं कैसी बनी, पर लग गए चींटी के। माँ तुम तो हर वक्त एक ही तलवार की तरह सर पे झूलती रहती हो, मैं कुछ चोरी का माल थोड़ी हूँ, तुम तो किसी से बात तक नहीं करने देती। बस सारी सराय में तू ही तक रह गई है बात करने के लिए। अरे पगली, मैंने तुझे हजार बार मना किया कि इन परदेशियों को मुंह ना लगाया कर, इन्हें तो बस दूर ही से सलाम, ये तो ऐसे होते हैं कि चिराग गुल और पगड़ी गायब। तुम सच कहती हो माँ, तभी ये मुंह मुझे घूर घूर कर देखते हैं, और वो जो है ना काला काला बलख का कौवा, उसकी नजरों पे मुझे बड़ा शक है। दरी से शक हजूर, मगर हायरी किस्मत, ना आया हमें इश्क करना ना आया, मरे उम्र भर और मरना ना आया। अरे बेवकूफ, ये क्या मौका है शेर का? अजी सरकार इसी मौके के लिए तो घड़ा गया है, आपने तो जी भर कर हुस्न की बहारें लूट ली ना जनाब, लेकिन अपना तख्ता हो गया। हुजूर जिंदगी में एक ही लड़की ने इश्क करने का वायदा किया था, मगर हायरी किस्मत, न जाने वो परी कहां पर फैला कर उड़ गई। और तुम काला देव बनकर उसके पीछे निकल जाते। तेरी खैर छोड़िए इस किस्से को सरकार, कहां का और कैसी परी। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, जरा ठंडा पानी पीकर सोचिए सरकार, अगर इश्क ही करना था तो फिर चनाब की वादी में सर फोड़ने की क्या जरूरत थी। खैर से अपने बलख में क्या नहीं था, इश्क नहीं था, हुस्न नहीं था, लैला नहीं थी कि शीरी नहीं थी। अपने वतन में सब कुछ था प्यारे, लेकिन वहां हुस्न की जन्नत गुजरात नहीं था, इश्क का दरिया चनाब नहीं था, और मोहब्बत की शहजादी सोनी नहीं थी। दरी से शक हजूर, सोनी तो सचमुच सोनी है, मगर सोने के देश वाले बड़े बेदर्द हैं सरकार। इन्हें कुछ न कहो काफूर, मुझे तो अपनी सोने के वतन की खाक से भी प्यार है, न जाने इस खाक के किस किस दर्जे पर सोने का साया पड़ा होगा। अल्लाह रहम करे आपकी हालत पर सरकार। लीजिए सरकार, आपके जख्म तो भरने लग गए। ये जख्म तो भर ही जाएंगे काफूर, लेकिन इस दाव का क्या बनेगा जो मेरे दिल पर लगा और दिन ब दिन गहरा होता चला गया। इस घाव को ज्यादा न खुजाइए सरकार, वरना रिसना शुरू कर देगा और दर्द बढ़ जाएगा। ये दर्द ही तो मेरी जिंदगी है, तुम क्या जानो इस दर्द की लज्जतों को। अल्लाह खुश रखे उसे जिसने मुझे ये दर्द बख्शा है, न जाने वो मेरे मुताबिक क्या सोचती होगी और क्या समझती होगी। मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, उस पर जरूर कोई आफत आ गई होगी, वरना ना वो मेरे बगैर जिंदा रह सकता है ना मैं उसके बगैर। कहीं वो अपने वतन तो नहीं चला गया? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यूं तड़पता छोड़कर कभी नहीं जा सकता। कहीं वो बीमार ना हो गया? सोनी से मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? हाँ वो मुझे मिली थी, परेशान और खोई खोई थी, मैं उससे बात भी ना करने पाया था कि उसका बाप आ गया, और मैं दिल की दिल ही में लेके चलाया सरकार। अजी ओ बलख के बंजारों, कुछ मेरा भी ख्याल है कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमें तो तेरे ही ख्याल का आसरा है बी भतियारन। या बुलाऊं चमकी के अब्बा को? अजी ओ चमकी के अब्बा, गामू पहलवान और फौजदार चचा को भी लेते आना। अरे तुम तो बुढ़ी भैंस की तरह डिकारने लग गई हो। अच्छा छबीली एक काम करो। क्या? मुझे अपना नौकर बना लो। नौकर? हाँ मैं तुम्हारी नौकरी करके सारा कर्जा चुका दूँ। अच्छा तो 5 रुपए महीना दूंगी और रोटी पल्ले से खानी पड़ेगी। मंजूर,
अच्छा अंदर बाहर सुबह शाम झाड़ू देनी होगी। झाड़ू तो ऐसे ही फेरूंगा कि सब कुछ साफ कर दूंगा। उठो तो फिर आज से काम शुरू करो। तुम चलो, मैं इन्हें रुखसत करके आता हूँ। ये तुमने क्या सोचकर इस चुड़ैल की नौकरी इख्तियार कर ली? सर पे गिरा पहाड़ उठाना ही पड़ता है सरकार। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें मेरे लिए ये जलील नौकरी करनी पड़ी। और मुझे इस बात का दुख है सरकार कि पलक का अनमोल हीरा गुजरात के गंदे कीचड़ में गिर गया। पलक के मलकुल तज्जार, मिर्जा अली का लख्त जिगर और उसकी ये हालत। ये सब किस्मत के खेल हैं काफूर, मुकद्दर का लिखा कौन मिटा सकता है। अच्छा खुदा हाफिज। अब आप कहां जाइएगा? मैं आपको कहां मिल सकूंगा सरकार? कुए जाना में, या जहां हमारी मोहब्बत पलकर जमा हुई। तुम्हें होश में आओ, ये तुम्हें क्या हो गया है? दुनिया वाले क्या सोचेंगे? इन्हें सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया में रहकर दुनिया वालों की परवाह करनी पड़ती है सोनी। अरे देख वो आ गया, ले मैं चलती हूँ। सोनी इज्जत, ये तुमने क्या हालत बना ली और इतने दिन कहाँ रहे? सोनी, मैं वो दिन अपनी जिंदगी में शुमार नहीं करूंगा जो तुमसे मिले बगैर गुजरे। डाकुओं ने मुझे लूट लिया और अपनी तरफ से मारकर फेंक गए, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा। शुक्र है अल्लाह का तुम बच गए, वरना मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकती। अब दुख इस बात का है कि तुम्हारी दुकान पर बर्तन खरीदने कैसे आऊंगा। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। बर्तनों की खरीदो फरोख्त ही हम दोनों के मिलने का बहाना था, अब क्या होगा? मुझे तो तुम्हारी जुदाई हरगिज गवारा नहीं सोनी। मैं चाहता हूँ कि दो दिनों के दरमियान कोई फासला न रहे। तुम ऐसा करो, मुझे अपने बाप के पास नौकर रखवा दो। तुमने कभी जिंदा कयामत देखी है? मैं कहती हूँ सीधी तरह हमारे बर्तनों की कीमत रखो और अपना रास्ता ना लो। शौक भी हो और गुस्ताख भी, हमें उसमें गुस्ताखियाँ बहुत पसंद है। और मुझे तुम जैसे ढीठ आदमी से सख्त नफरत है, घोड़े पर चढ़े गधे मालूम होते हो। बड़ा चिट्ठा चौकरी, तुम्हारा मगज में वटा, तुमको मालूम है बच्चे तुम किससे बात करते? आप चिनाब आपको नहीं याद आए? चुप है, हाकिम होगा अपने घर का, हमने कोई चोरी थोड़े की है जो किसी से डरे। हमें आज मालूम हुआ कि हुस्न गुस्से में कितना खूबसूरत और दिलनवाज हो जाता है। और मुझे भी आज मालूम हुआ कि तुम हाकिम नहीं शैतान हो। वो खा छोकरी, तुम्हारा मगज में वटा गम का जबान दियो। तुम चुप रहो शेरगुल, इसे बोलने दो, हम भड़के हुए हुस्न का नजारा करना चाहते हैं। अबे ओ हाकिम के बच्चे, कहीं खुद ही नजारा न बन जाना, चुपके से भर दो मेरे बर्तनों की कीमत। हम कीमत के साथ साथ अपना दिल भी हुजूर की नजर करते हैं। पहुंचे तुम्हारे मगज में बटा। अरे अरे सीधा, ओह नीदा, अरे वहाँ सीधा ना भाई, वहाँ के क्या कर रहे हो? ओह चलो वहाँ बंदा ना, वो बड़ा भाई, वो कमाल क्यों हो रहा है? मेरे बिना बाप हो रहा है, वो तुम बच्चे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खानी अली। शेरगुल तुम कहाँ मर गए थे? पूछे हम मरी नहीं, हम तो जिंदे। मैं तो राजा इंद्र के अखाड़े में घुस गई, उधर से हमको चारों तरफ से परी लोग लेके एक लिया।
और हमको खूब मस्त बनाया, हमारे खूब खातिरदारी की और हम दुनिया में रहकर जन्नत का सैर किया। ये तो तुम्हारी शक्ल से जाहिर है, मगर शेरगुल तुम हमें ऐसे खतरनाक मोहल्ले में ले क्यों गए थे? बोझे खान बाबा, मैं तो आपको इसलिए ले गई थी कि आपका आबो हवा तब्दील हो जाएगी और कुछ मुंह का चहता भी बदल जाएगी। हम काफी रदा कुम्हारन पर फरेफ्ता हो गए हैं शेरगुल, उस शोक और मुजोर हसीना ने हमारा दिल लूट लिया है। हम चाहते हैं कि उसे अपने महल की जीनत बना ले। वो क्यों अपना खाना खराब करती खान बाबा, वो तो एक मामूली चोकरी है, उसके सर में कोई सुरखाब का पड़ लगती। सुरखाब का पड़ नहीं बेवकूफ, गर्द गुबार में अटा हुआ हुमा का पड़ है, जिसे हम अपने तुर्रे दस्तार में सजाना चाहते हैं। वला चे बहुत अच्छा है, कसूरत है, मगर बड़ा खतरनाक है, काबर है, बहुत गुस्ताखी खाने वाली। उसने गुस्ताखी हुआ करता है शेरगुल, तुम इसी वक्त उस मोहल्ले में जाओ और हमें पता लगा कर बताओ कि उस परी का नाम क्या है और वो किसकी बेटी है। मुझे शेरगुल का मगज में बैठा, वो जाता है खान बाबा, हमारे गया किया माफ करना, खुदा का हाफिज, अल्लाह का अलविदा। क्यों रे झूठे, तू तो कहता था पठान बात के पक्के होते हैं। बिल्कुल पक्के होते, कोने सोलह भी पक्की होती, काफी अखेड़ की तरह पक्की होती, और झूठे का जबान काटती और उसका मगज में 100 चप्पल लगाती। 100 चप्पल लगाती है? हाँ। ये लो, लगा अपने मगज में 100 जूता। वही जाने जाना, कुछ हम अपने जिम्मा लेती, वो अपने बाप का जिम्मा नहीं लेती, खानी आली का जिम्मा नहीं लेती। बच्चे तुम्हारा जान ईमान का कसम, आप बिल्कुल सच्चे मोती की तरह। चल झूठा कहने का, वो बातें याद है? तो कौन सा बात? जब कहा करते थे खुश शबनम जान, हम तुम्हारे ईशोक में उल्लू का पाटा बन गए, तो हम तुमसे इस तरह मोहब्बत करती जैसे लाल टैंक से मच्छर। बच्चे ठीक है, जैसे कुकड़ी से कुकर और जैसे बिल्ली से कुत्ता और जैसे काजी से नस्ला। और तुम ये भी तो कहा करते थे अगर इन आंखों ने तुम्हारे सिवा किसी और को देखा तो इन्हें निकाल कर कहो के आगे डाल दूंगा। अगर चे हम तुम्हारे बगैर किसी लड़की की तरफ देखेगी तो चे हमारा सामने की आंखें फूट जाएगी और उस आंखी का कीमा बनाकर एक चपली कबाब बनाएगी, आधा तुमको खिलाएगी और खोजे आधा हम खाएगी, हो गए ना? छोटा मकार कहीं का, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी, पता वो कौन थी जिनकी खाने आली के सामने तारीफें कर रहा था? बच्चे हमारा मगज में बटा, हम तो कुछ भी नहीं समझी, तुम क्या बोलते है भाई? वही कंधारी अनार जैसी, कश्मीर की नाश पाती, कुल्लू के सेब जैसे गालों वाली, बताओ कौन थी तेरी? वही वो तुम्हारे मगज में बटा, वो तो हम थोड़ा सिर्फ खुशावरी करता था उसके साथ। बच्चे देखो हमारा मान तो तुम है और हमारा तबर्रुक तुम है, बाकी और सब हमारा माई और बेबे लोग, तुम दफन करो उन सब। दफन करूंगी तुम्हें, बता तुम्हारा उनसे क्या टांका? टांका माँ का किधर है, हम तो नवा सिलाया नवा। बताते हो या नहीं? नहीं तो मैं चली। खोजे जाने जाना, वो समझ हो जाओ, इधर आओ, नगीच जाओ, थोड़ा मुंह नगीच लाओ, थोड़ा और लाओ, तो मुंह नहीं कान लाओ। मर्दूद कहीं का, मैं चली। वो नमरूद अमरूद कुछ नहीं, इधर आओ, मैं बताता हूँ। अच्छा ये बाबा मोहताज है, सखी बाबा का सवाल है, यो पैसा बना में खुदा। ओ भाई कुर्बान सुबान तेरे कुदरत, देखो तुम बहुत अच्छा बच्ची लोगे, दुआ रोटी और दुआ बोटी का सवाल है, फिर से मेले ला सवाल है। ये लो बाबा रोटी। हाँ। और बोटी अल्लाह देगा। ओ तुम बहुत अच्छा बच्ची है, तुम बहुत सती है, तुम बहुत खस और तुम बहुत सोनी है, सोनी। उल्ला तुम मेरा नाम भी जानते हो? मुझे हम पीर बाबा की दुआ से बहुत कुछ जानती, जिस माँ का बच्ची ऐसा नूर का पुतली हो उसका माँ कितना नूरानी होगा। उल्ला
तुम तो मेरी माँ का नाम भी जानते हो। अब्बा उसे नूरो कहते। वो जाम तो तुम्हारा बाप का नाम भी जानती है। वो बड़ा माशाल्लाह है, जज़ाकअल्लाह है और अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह है। हाँ, मेरे अब्बा का नाम रहमतुल्लाह है, यानी कि चौधरीतुल्लाह है, जो सारे कुम्हारों का चौधरी है। जो सारे चमारों का चौधरी नहीं, कुम्हारों का। ओ, कुम्हारों का चौधरी है। ए, नाम तुली है। ओ, हमारे मगर बता। ओ, ओ, चौधरी तुला है। खोचे क्या अल्लाह गुल्ला है। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। खोचे बच्ची लोग, तुम किधर जाता है? बाबा, वो है ना अपना मेरा महीवाल, उसे रोटी देने जा रहे हैं। खोचे जाओ जाओ, खुदा तुम्हारा इरादे में बरकत करे और तुम्हारा दिली मुराद पूरा करे। कुछ ये महिवाल क्या बोले? कुछ अंसम जी, ये मोहब्बत करते हैं, ईशु परवाता है। नाम क्या बोले? चौधरी कुल्ला, मामा कुल्ला, तुल्ला, सोनी, नूरो। सचमुच मेरी इज्जत हो। मैं सोचती हूँ तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी वीरान थी। मेरे अरमानों के गुलशन को एक माली का इंतजार था। और फिर? और फिर वो माली महीवाल का भेस बदल कर आ गया। हर तमन्ना मुस्कुरा उठी, हर नजर जन्नत बन गई। मोहब्बत कितनी हसीन है महीवाल, उसने जिंदगी को कितना खूबसूरत बना दिया है। तुम्हें मिलने से पहले मुझे भी अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जिंदगी एक वीरान मकान थी, लेकिन अब उसमें मोहब्बत का बसेरा है। आखिर इस मोहब्बत की इंतहा क्या होगी महीवान? मोहब्बत की इब्तदा हमने कर दी और इंतहा मोहब्बत खुद सोच लेगी। चलो महीवान, अब घर चलिए, कोई जागता तो मुसीबत आ जाएगी। कल दिन को आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी मेरे महबूब, मैं तो तुमसे जुदा ही नहीं होना चाहती। मगर अच्छा, कल तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। खुदा। पर शेर की बात क्या है, बताते क्यों नहीं? खान बाबा, बहुत बुरा बात है, शर्म का मुकाम है, कुछ डूब मरने का जगह है। हमको तो खुदा की कसम रोना आता है। अरे पर कुछ फौको तो के बात क्या है? वो हमारा मगज में हुआ था, कुछ जान का अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बोलो। कान बाबा, वो जो बलख बुखारी का सौदागर बची है ना? हाँ, वो पत्थरों का सौदागर। कुछ अमीर जाती को जो पत्थर भी कहती है। ठीक है। वो सोनी से इशू करती है। क्या बकते हो तुम? कुछ मैं ठीक कहती खान बाबा, दिल पे चोरी करती है। तुम झूठ बोलते हो। हमारी हुकूमत में एक परदेसे की इतने हिम्मत, क्या ख्याल है उसके मुतालिक? खान बाबा, रोटी कितना से पकती है? दो। देर खदे, देर खदे। और ताली कितना से बचती है? दो भक्त। वो खुदा तुमको सोनी दे। बस तो खान बाबा, तुम समझो तो वो एक दूसरे का दीन ईमान है, वो एक दूसरे का जाने जानान है। और अगर ये झूठ हुआ तो? खान बाबा, तो हमारे चूरी पे गला चलाना, हमारा मगज में फटा मारना, को आपका सर तोड़ना। पकते हो तो? आप जनाब हमारे साथ सुबह को चलेगी, उधर हम जन्नत का सैर कराएगी, उधर वो बाबा लोग इशुक का जाम पीती है और जनाब मोहब्बत का हुसन फरमाती। शबनम, पानी पानी।
पानी तो खत्म हो चुका है हुजूर, अगर हुक्म हो तो वापिस लौट चले। नहीं, हमें सख्त प्यास लगी है, इसी वक्त बंदोबस्त किया जाए। बसरा चशु मेरे महीने, मैं कल इसी वक्त आऊंगी और ये दरमियानी शब मेरे लिए एक सदी से कम ना होगी। और मैं तुम्हारे इंतजार में उन राहों के दिन के अपनी पलकों से चुनता रहूंगा जिन पर से तुम गुजर कर आओगी। मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारा साथी और निगेबान बनाकर जा रही हूँ। अच्छा प्रोफेसर, माँ मुझसे पहले घर आ गई तो उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इजाजत। किस मुंह से कहूं के जाओ। अच्छा सुपुर्दे मोहब्बत। खुदा हाफिज मेरे महीवा। जिंदा हो गया। कौन? वो पलक का सौदागर जिसे आपने मरवा दिया था। तो जिंदा है? जी हाँ, मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलती हो। नहीं हजूर, मैं सच कहती हूँ। चलकर देख लीजिए ना। चलो। इज्जत। आप? मेरी मोहब्बत के गुमशुदा सितारे, मेरे खोए हुए प्यार, तुम कहाँ थे इतने दिन और ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सवाल तो पहले भी मैं अपने आप से कई बार पूछ चुका हूँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि डाकू ने तुम्हारा सब कुछ लूटकर तुम्हें जान से मार डाला है। मारने वालों ने मार डाला लेकिन बचाने वाले ने बचा लिया। अच्छा हुआ कि मुझे लूट लिया गया। लूटने वालों को दुआ देता हूँ कि अब चोरी का खटका नहीं रहा। तुम जो आग मेरे सीने में लगाकर चले गए थे वो हमेशा सुलगती रही। मैंने जमीन के हर फूल और फलक के हर सितारे से तुम्हारा पता पूछा। आज भी शिकार के बहाने तुम्हारी तलाश में निकली थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिर आज मैंने अपनी खोई हुई आरज़ू को दोबारा पा लिया। बानो, आप एक गरीबुल वतन की बेकसी का मजाक उड़ा रही। नहीं बल्कि अपनी बेबसी और बेचारगी का तमाशा दिखा रही। इज्जत, अपनी उस दुनिया में आ जाओ जिसे तुम वीरान कर गए थे। मेरे दिल में समा जाओ। आ जाओ कि दो जवानियां मिलकर मोहब्बत की तारीख को एक नई रंगीन कहानी दे दूं। मोहतरम खातून, मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझ गरीब को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इज्जत के पहलू में अब वो दिल नहीं जो किसी के काम आ सके। इज्जत ना आपके लिए है ना अपने लिए, बल्कि वो किसी और की अमानत हो चुका है। आपके शिकार के लिए कई भले शिकार आंखें बिछाए आपकी राह देख रहे होंगे। तुम्हारी बेरुखी मुझे मार डालेगी बेदर्दी से। हमने सुना था कि बाज बहनों की बहकी हुई जवानी बड़े बड़े कोविकार भाइयों के गरूर की गर्दनें झुका देती हैं, मगर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि गैरत रस्मत के फलक पोस मीनार जिल्लत की दहलीज पर कैसे झुकते हैं। और तुम बला के नाहन जा सौदागर, हट जाओ। तुमने शेर के दांत गिनने की कोशिश की है मगर शेर कभी गीदड़ के मुंह पर पंजा नहीं मार सकता। तुम जा सकते हो और गीदड़ ने फिर शहर का रुख किया तो उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। जाओ शहजादी। इस हादसे के बाद हम दोनों में से एक को मर जाना चाहिए। एक बेशर्मी की जिंदगी जिए और दूसरा गैरतमंदों की मौत मर जाए। और इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाईजान, अगर मरने पर ही फैसला ठहर सकता है तो मुझे मरना चाहिए क्योंकि मुजरिम मैं हूं। तुम जिंदा रहो, तुम्हारे मरने से गुजरात की सल्तनत बेवा हो जाएगी। तुम्हें यही पसंद है तो लाओ मैं ये खंजर अपने कलेजे में घोंप लेती हूँ। ये तुम कह रही हो? ऐसा कर सकोगी? नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। औरत हर रूप में एक धोखा है। वो बीवी बनकर खाविन के एतबार को धोखा देती, वो बेटी बनकर बाप की इज्जत का सौदा चुकाती है और बहन बनकर भाई की आबरू को खैरात लुटा देती।
मैं दिल के हाथों मजबूर थी, आखिर दिल ही तो है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे को तपते हुए लोहे से तार दिया जाए? जाओ माफी मांगो अपने उन बुजुर्गों की हड्डियों से जिन्हें तुमने कब्र में तड़पाया है, माफी मांगो अपने खानदान की उन अजमतों से जिन्हें तुमने अपनी ठोकरों में उछाला है, पैरों तले रौंदा है और उसकी साग अपने मुंह पर मली है। भाईजान, खबरदार जो भाईजान कहा, तुमने भाईजान के नाम को शर्मा दिया। जिस भाई की हैबत से पहाड़ों के दिल हिल जाते, जिस भाई के माथे पे चिकन देखकर दरियाओं के रुख बदल जाते, तुमने उस भाई की आबरू को एक परदेसी फकीर के पैरों पर रगड़ दिया। तुमने औरत की हया और खुदी को बेच दिया। भाईजान, बेहया के आसपास की रियासतों के शहजादे और रईस मर गए थे जो तूने शाही खून का सौदा करने के लिए एक गुमनाम सौदागर से रंग रलियां मनाई। तुफ है तेरी जिंदगी पे और लानत तेरे जहां के। मैं और यही सुनूंगी, मेरे जब के कच्चे फोड़े को इतना ना छेड़ो कि दर्द की शिद्दत मेरी जुबान को गुस्ताख बना दे। अस्सलाम अलैकुम। वो शेरे बुल का वाले कम से क्यों ना भाई बच्चे उतर देखो। जमादार उसका जमा मार नहीं का फौज का सिपाही, फौज का सिपाही फौज रेमतुल्ला आले हमारा मगज में बचा अच्छे चौधरी तुल्ली खतो मोती तुल्ली ना भाई बताओ ने मैं तो ना तुल्ली उतर रही थी। हाँ तुल्ली क्या हुक्म है? हुक्म है आका में हुक्म है बच्चे आम हुक्म का बोला तुम क्या बोला? माने बोला वाले गुजरात खोचे आपको याद फरमाती, खोचे आपका तशरीफ को उधर याद फरमाती। भाई तुम जाता बीबी हाथमी को हमारा सलाम बोलता। सलाम का तुम्हारे मगज में बटा बीबी नहीं आकम साहब बादशाह सर बादशाह। माफ करना खान साहब मैं अभी चलता हूँ। अरे तो ली की अम्मा, अरे तो वाह सोनी की माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे हाकम ने बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है। तो है हमने क्या बिगाड़ा है? हुक्मी हाकम में देर नहीं करनी चाहिए वरना तब ये साफ कर देगा। मुझे माफ कर देना, मैंने भी तुमको माफ कर दिया। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। मैं देखो बिल्कुल जा रहा हूँ सोनी की अम्मा, मगर हाँ खरैती से 2 रुपए 10 आने जरूर वसूल कर लेना। हाँ चलिए खान साहब। तुम्हारा मकसद में बेटा वो तुम डरते क्यों है? मैं किधर डरते किधर डरता है? चलो 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 वो चौधरी साहेब तुम्हारे मगज में बैठा हकम साहब को सलाम करो। सलाम का सलाम? वो हमको नहीं जनाब साहेब को सलाम करो। सलाम बीबी आदमी, हम अपने मौजूद मेहमान की खिदमत में कॉर्निश भी चलाते हैं। कोरमा पकाने की क्या जरूरत है हाथ साहब? सोने की माने तभी ये साफ करके भेजा है। शेख खाने वाले चौधरी तुल्ला को मुनासिब जगह बिठाकर हमारी दरख्वास्त इनकी खिदमत में पेश की जाए। वो चौधरी साहब अब इधर भेजो, इधर रहते कि नहीं? आकम साहब आप जनाब को उज्जत बख्शना चाहते हैं और आप जनाब आकम साहब को अपना गुलामी में कबूल करो। पठान साहब मैं तो खुद इनका गुलाम हूँ। चौधरी साहेब आकम साहब चाहती है कि आप जनाब आकम साहब को अपना दामाद बने। दामाद? हाँ दामाद।
और आतम साहब आपका सोनी को अपना मलका बनाना चाहते। मलिका एक गरीब कुम्हार की मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मगर दामाद जी मेरी सोने को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े लाडो पले है मेरी सोनी। हम आपकी सोनी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे, मगर हमारी एक ख्वाहिश और भी है जिसे कबूल फरमाया जाए। कहो मियाँ दामाद जी, मुझे सब कुछ मंजूर। आज से तुम्हारे घर में कोई गैर मर्द न रहे। मेरे महिवार, मुझे तो हर वक्त इसी बात का खटका लगा रहता है, कहीं कोई हमें एक दूसरे से जुदा न कर दे। मोहब्बत खुद इसकी फिक्र करेगी और वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। निगाह हदर बदर, बेअदब बेलगाम होशियार। हाँ हाँ, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा या अल्लाह के बंदो। भैया तुम बने क्या हुए हो? अच्छी बस तुम ठहरो। हाँ मिया, ये पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी? जी आइए, किताब खत्म हो चुकी है, कल दूसरी शुरू करेंगे। जी बस एक किताब तो उसके बाप को भी काफी है। सुनो मिया गैर मर्द जी, आज से तुम्हें छुट्टी, यानी कि पक्की छुट्टी। नौकरी खत्म, तनख्वाह चट, बिस्तरा गोल और तबीयत साफ। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जी क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अब्बा? बस जी बस, जो कुछ कहना था कह दिया। नौकरी खत्म, पढ़ाई बंद, दुकान बढ़ाओ और मसल्ला उठाओ। लेकिन अब्बा, इसने कसूर क्या किया है? अगर ये सारी उम्र कसूर नहीं करेगा तो मैं इसका मुंह देखता रहूंगा। बस जी बस, ये गैर मर्द है और शाही हुक्म तामील होनी ही चाहिए, वरना तभी ये साफ कर दूंगा। और हामिया, हमने तुम्हारा खाया पिया माफ किया, तुम हमारा कहां सुना माफ कर देना। चलो निकलो यहां से। चलो, चला जाता हूं किबला। आप मुझसे उकता क्यों गए? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम तुम्हारी समझ के ठेकेदार हैं, ये शाही बातें हैं, तुम्हारी समझ में कैसे आ सकती है? चलो निकलो। इन्हें रोको, क्यों रोको? तू क्यों मच रही है? तेरा क्या लगता है? अमिया गैर मर्द, फिर कभी लौट कर इस घर में ना आना, समझ गए? कहीं कह दो कि रास्ता भूल गया। चलो निकलो यहां से, चलो जाओ। और तू भी कान खोल कर सुन ले, आज से इस घर से तू बाहर कदम नहीं रखेगी। काला जान सलाम। सलाम काला जान। जीती रहो, जीती रहो। ये चुड़ैल इकट्ठी होकर कहां से आ गई? काला जान, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी मैं आते हैं आपके पाँव धो धो कर पीऊं, और मेरा जी चाहता है कि इनके पाँव की धूल को सुरमा बनाकर आंखों में लगा लूं। बड़ी बफरदार हो तुम दोनों। लाओ खाला जान, तुम्हारे पाँव दबा दूं। और मैं सर दबा दूं खाला जान? ना बेटा, आज शबी बरात है, कल दोपहर को आना। दूसरे अभी मुझे खत्म के लिए ये हलवा भेजना है। हम भी तो वहीं जा रही हैं खाला। सोनी कहाँ है? वो भी हमारे साथ चले ना। हाँ खाला जान, हम इसे लेने आए हैं। नहीं बेटा, उसके बाप ने उसका बाहर आना जाना बंद कर रखा है। सुनो, भला होते हुए सोनी के अब्बा की क्या ताकत है जो बोल जाए? वो तो आपसे डरते हैं। मेरी अच्छी खाला, भेज दो ना, अभी आ जाएगी। अच्छा, तुम जिद करती हो तो ले जाओ, लेकिन जल्दी से लौट आना। सोनी, ओ बेटी सोनी। आई अम्मा। ले ये हलवा इनके साथ मस्जिद में ले जा। अच्छा अम्मा। अच्छा तुम मानती हो हमारा सिक्का? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगी। बस अब रहने भी दे, जा जल्दी से अपने महिवाल के पास पहुंच जा। तुमने उसे घर से बाहर जाने क्यों दिया? मैं जानता हूं जहां गई, वो बुजुर्गों का फातिहा दिलाने नहीं गई, बल्कि तेरी और मेरी इज्जत का फातिहा दिलाने गई। वो जरूर उस गैर मर्द से मिलने गई। मुझे गैर मर्द कहकर तुम्हारे अब्बा ने घर से निकाल दिया और तकदीर मुझे यहां ले आई।
न जाने किस जुर्म की सजा में हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। नहीं बाबा, मेरी हालत तो ऐसी है जैसे बाहर में बुलबुल के पर नोच कर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसे फरियाद की इजाजत ना हो। हमारी मोहब्बत पर बड़ा कठिन वक्त आया है सोनी। नहीं वाल, ये देखकर मेरा दिल शीशे की तरह कट रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें पहुंच रही हैं। हीरे का जिगर कट जाने से ही उसकी कदरों की कीमत बढ़ जाती है सोनी। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे जान पर भी खेल जाना पड़ा तो भी समझूंगा कि अभी वफा कहा कदा नहीं। इसे तो खत्म कर चुका और इसकी लाश को कभी तक नसीब नहीं होगी और तुझे तुझे मैं जिंदा कर गोल कर दूंगा। चल बंदा चल 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 मेरी जिंदगी मुझसे छीन कर मेरी सोई मुझे दे दो। काश आपकी हालत देखने से पहले नंदा हो गया होता। इश्क बड़ा जालिम है। शर्म दे हया, आज से इस कोठरी के कब्र के अंदर मार खपता। अब इस घर के दरवाजे से तेरी डोली निकलेगी या तेरा जनाजा। इसे कहां से पकड़ कर लाए हो? अरे मोटी अकल वाली, ये उसी मुस्तंदे गार मर्द के पास थी। इस कोठरी में जो सबक कच्चा रह गया था उसे पक्का करने गई थी। हाय, मैं तो इसकी शादी की फिक्र कर रहा हूँ और ये चुड़ैल उस दो टक्के के कमीने जाकर के साथ रंग लगते बना रही। उसे कमीना नौकर न कहो अब्बा, वो बलक के सबसे बड़े जौहरी का बेटा है। उसने मेरे लिए अपने हीरे और मोती लुटाकर तुमसे मट्टी के बर्तन खरीदे, अपने आप को बर्बाद करके तुम्हारा घर भर दिया और अब मेरे लिए महिवाल बनकर जंगल में धुनी रमाए बैठा है। अपने बाप के सामने गैर मर्द का दम भरते हुए शर्म नहीं आती? बस उसका ख्याल दिल से निकाल दे, मैं तुझे कुम्हार जादी से मलिका बना रहा हूँ। तेरी शादी गुजरात के हाकम से कर रहा हूँ। मेरी शादी गुजरात के हाकम से? मैं उस पर लानत भेजती हूँ। मुझे बादशाहत नहीं चाहिए अब्बा, मेरे लिए मोहब्बत की सल्तनत काफी है और महिवाल मेरे दिल की दुनिया का सुल्तान है। चुप, ना समझ ना फरमान। बादशाह ने सुन लिया तो क्या कहेगा? अपने बादशाह से कह दो कि वो सोनी को अपनी बेटी और बहन समझे। उससे कह दो कि वो रियाया पर हुकूमत कर सकता है, रियाया के दिलों पर नहीं। उसे लोगों की जानों पर इख्तियार है, किसी की मोहब्बत पर नहीं। मोहब्बत तो सोनी के अपने बस में भी नहीं। तुझे अपनी मोहब्बत को मेरे फैसले पर कुर्बान करना होगा। तुझे हाकिम से शादी करनी होगी, जरूर करनी होगी। अगर बेटी की मैयत डोली में डालकर हाकिम को भेजना चाहते हो तो ये भी शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखो अगर मेरी आरज़ुओं का जनाजा उठ गया तो रातों को तुम भी चैन से नहीं सो सकोगे। अरे नसीब कमबख्त, क्या हो गया है तेरी समझ को? कभी लड़कियों ने भी शादी के बारे में जबान गिलाई है? माँ, क्या आज तक कभी किसी माँ के यहाँ सोनी पैदा हुई है? हर लड़की का एक महिवाल नहीं होता, हर लड़की किसी महिवाल की सोनी नहीं होती। माँ, तुम्हें अपनी ममता का वास्ता, मुझे मेरी मोहब्बत के हवाले कर। हमने तुम्हें हाकिम के हवाले कर देने का फैसला कर लिया और शाही फैसले बदला नहीं करते। खबरदार, जो घर से बाहर कदम रखा तुम्हारी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। खाना आबादी का सामान मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मिर्जादी। भाईजान, आपने अचानक शादी रचा ली और हमें बताया तक नहीं कि हमारी होने वाली भाभी कौन सा खानदान के चश्मे चराग है। वो किसी बादशाह की दूर नजर नहीं,
پل کے حسن کی شہزادی، ہمارے دل کی سلطنت کی ملکہ، وہ ذلیل باپ کی بیٹی سوہنی امیرزادی۔ ہم نے سنا تھا کہ بعض بھائیوں کی بہکی ہوئی جوانی بڑی بڑی گردوں وقار بہنوں کے غرور کی گردنیں جھکا دیتی ہے، مگر آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عزت اور عظمت کے فلک بوس مینار کس طرح ذلت کی دہلیز پر ماتھا رگڑتے ہیں۔ ہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے، آخر دل بھی تو ہے، معاف کر دو۔ معاف کر دوں؟ جاؤ معافی مانگو اپنے بزرگوں کی ان ہڈیوں سے جنہیں تم نے ابر میں تڑپایا ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو بہن؟ خبردار جو تم نے مجھے بہن کہا، تم نے بہن کے نام کو شرما دیا ہے، تم نے بہن کی عزت اور غرور کو ایک ناچیز تمہار زادی کے پیروں میں رگڑا ہے۔ پروین، ہماری نرمی تمہیں گستاخ بنا رہی ہے، مت بھولو کہ تم ہماری چھوٹی بہن ہو۔ بڑا بھائی جب چھوٹی بات پر اتر آئے تو اسے چھوٹی بہن کے منہ سے بڑی بات سننی پڑے گی۔ ایک دن میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور تم ٹوٹ ٹوٹ کر برسے تھے، آج میں تم سے پوچھتی ہوں کہ جس بات کو تم نے میرے لیے روانہ سمجھا اسے اپنے لیے کیسے جائز قرار دے رہے ہو؟ ہم با اختیار حاکم ہیں، اپنے قول و فعل کے مختار، ہمیں روکنے ٹوکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں جس کا خون تمہاری رگوں میں ہے، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بس اب ہم کچھ نہیں سنیں گے، شادی ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں ہوتا آقا، 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 آج آپ کی سونی پرائی ہو رہی ہے میرے آقا، آج اس کے ہاتھوں میں آپ کے خون کی مہندی رچائی جا رہی ہے، آج سونی کی شادی ہو رہی ہے میرے آقا۔ شادی؟ ہاں میرے آقا۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بکتے ہو، میں ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس نے آپ کی وفا کی جھوٹی قسمیں کھائی تھی، اس نے آپ کی غریبی سے منہ موڑ کر دولت کی خاطر حاکم گجرات سے شادی رچانا منظور کر لیا ہے۔ تم جھوٹ بکتے ہو۔ نہیں میرے کمینے نمک حرام۔ نہیں میرے آقا، میری سونی کو وفا کی گالی دے رہی ہو۔ میرے آقا، تیری یہ ہمت،
आका जरा कान लगाकर सुनिए, क्या शहनाई की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही? खुदा के लिए अब भी घर लौट चलिए, अब यहां क्या रखा है? महफल लुट चुकी, समय बुझ चुकी, अब परवाने भी उठ जाए, इस दरियार की गलियां छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मुझसे तागे हो तो जाओ, दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ। आपके वालिद ने आपको मेरे सुपुर्द किया था, अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? ये मुंह लेके जा, पत्थरों से चूर किया हुआ मुंह लेके जा। तूने मेरी सोनी का दोपान लगाया है, उसकी यही सदा है कि मैंने तेरी सूरत निकाल दी। के गुलाम और गुजरात के हाकिम कमीने डाकू, क्या फर्क है तुझमें और एक लुटेरे में? वो रात के अंधेरे में मुसाफिरों के काफिले लूट लेता है और तुम दिन दिहाड़े गरीबुल वतन की जिंदगी का सरमाया लूट लेना चाहते हो। लेकिन याद रखो, इज्जत की गैरत अभी जिंदा है। तुम इज्जत की नामोश तक अपने खून में तैर कर पहुंचोगे या उसकी लाश पर कदम रखकर। हमें तुम्हारा दूसरा तरीका पसंद आया, हम बेअदब और गुस्ताख बागियों की लाश होते बालीन तक काम लेना जानते हैं। सिपाहियों, हमारी इस गलीचे की धूल को हमेशा के लिए साफ कर दो। जलील कमीने, जलील हिम्मत, मारो मारो कमीने, और मारो नहीं भाई, और मारो हड्डियां चूर कर डालो, लटकी हुई जबान को काट डालो, ताकि ये किसी बड़े आदमी के सामने भौंक न सके। कहाँ चली? छोड़ दो बाबा, छोड़ दो मुझे, मेरी वफा मुझे पुकार रही है। बेहया लड़की, जमाने भर की रुसवाई को अपने माथे का झूमर बनाना चाहती है। अपनी शादी के दिन मेरी पगड़ी का लहंगा बनाकर अपने दूल्हा के सामने नाच पर जाती है। छोड़ दे इस पागलपन को और चली जाओ अंदर। मैं पागल नहीं, दुनिया पागल हो गई है, जमाना आज फिर हमारी मोहब्बत का इम्तिहान चाहता है। छोड़ दो बाबा, जमीन की प्यास सिर्फ महिवाल के खून से नहीं बचेगी, इसमें सोनी का खून भी मिल जाने दो। छोड़ दो बाबा, हम इस जगह तुम्हारा खून करके अपनी तलवार को गंदा करना नहीं चाहते। ले जाओ और इसे लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर पड़ा के दरवाजे में लटका दो, ताकि बागियों को इबरत हो। बागियों की इबरत के लिए नहीं, अपने अमाल की शामत और जिल्लत के लिए। मेरी लाश शहर पनाह के दरवाजे पर नहीं, बल्कि अपनी महल सरा के मीनार पर लटकाओ, ताकि दुनिया तुम्हारे जुल्म और मोहब्बत की मजलूमी का ये तमाशा देखकर तुम्हारे मुंह पर थूके। ले जाओ। गुजरात के हाकिम, एक मस्जिद पर ये जुल्म न करो, बदल दो ये फैसला जो हक और इंसाफ के खून से लिखा गया है। ये फैसला कानून और इंसाफ का फैसला नहीं, अंधे इंतकाम का फैसला है। सोनी, तुम मुजरिम की तरफदारी कर रही हो? नहीं, बल्कि तुम एक बेगुनाह पर जुल्म कर रहे हो। याद रखो, अगर तुमने महिवाल को मरवा डाला तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। सोनी, ये तुम बोल रही हो? हाँ, डरो अल्लाह के अजाब से जो तुम्हारे अजाब से शदीद है। इसे छोड़, इसे जिंदा छोड़, फेंक दो इस किले को कहीं दूर फेंक दो, ताकि हमारी शादी की खुशी पर इसकी मौत का सारा तक न पड़ सके। बेहया, तू माँ बाप की इज्जत को गली कूचों में देखने निकली है? मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे मेरे महिवाल से जुदा न करो, हम दोनों को हमारी तकदीर के हवाले कर दो। मौत के हवाले क्यों ना कर दूं? मुझे मौत मंजूर है, मगर इससे शादी करना मंजूर नहीं। 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं। ले जाओ, चुप नहीं, चलो। रात लिए
पलकों पे भरी बरसात लिए हम तेरी याद में रोएंगे हाय रोएंगे। आंखों पे गमों के पहरे हैं और जख्म जिगर के गहरे हैं, पर याद करें तो किस करें सब दुनिया वाले बहरे हैं, सब दुनिया वाले बहरे हैं। ऊँटों पे अधूरी बात लिए ऊँटों पे अधूरी बात लिए हम तेरी याद में रोएंगे हाय रोएंगे। माना के नहीं तो हर जाई किस्मत में लिखी थी रुसवाई, हम अपनी आहें सुन लेंगे हो तुझको मुबारक शहनाई, हो तुझको मुबारक शहनाई। अब अश्कों की बारात लिए अब अश्कों की बारात लिए हम तेरी याद में रोएंगे हाय रोएंगे। शिकवा न करेंगे किस्मत का अंजाम यही है चाहत का, डोली तो नहीं है ये तेरी निकला है जनाजा उल्फत का, निकला है जनाजा उल्फत का। जा दर्द हमारा साथ लिए जा दर्द हमारा साथ लिए हम तेरी याद में रोएंगे हाय रोएंगे हाय रोएंगे हाय रोएंगे हाय रोएंगे। महिमान महिमान सोनी सोनी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं महिमान, जाहिर मुझे जबरदस्ती डोली में डालकर ले गए। वो खुद नहीं गई महिमान, उसकी लाश गई है। हम उम्र में छोटी और रिश्ते में बड़ी भाभी को आदाब बजा लाते। तुमको हाकिम में गुजरात की बहन परवीन हम तुम्हें मलिका बनने की मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं लानत भेजती हूँ गुजरात की मलिका होने पर। ये छोटा समूह और इतनी बड़ी बात, क्या एक मामूली कुम्हारजादी के लिए गुजरात की सल्तनत काफी नहीं? किसने मांगी थी गुजरात की सल्तनत? मेरे लिए तो अपने दिल की सल्तनत काफी थी जिसमें महिवाल की मोहब्बत का सिक्का चलता था। हम नहीं जानते कि ये महिवाल कौन है और हम जानने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, लेकिन तुम्हें इतना याद दिला दें कि तुम अपने शोहर की वफा और एतबार को धोखा दे रही हो। कैसे शोहर? किसका शोहर? जिस मंजिल का नाम शोहर है वो भी बहुत दूर है। अभी उसके और मेरे दरमियान महिवाल की मोहब्बत का फासला है। पहले तुम्हारा भाई ये फासला तो तय कर ले। खामोश कमजोर कुम्हारन, ये मत भूलो कि गुजरात का हाकिम जितना मेहरबान है उतना जाबिर भी है। जख्मों से चोर मोहब्बत को धमकाती हो, तुम्हारे सीने में मोहब्बत की चोट खाया हुआ दिल नहीं। काश तुम्हारा भी कोई महिवाल हो, तुम्हें उसे छीन लिया जाता तब तुम जान सकती कि सोनी पर क्या गुजर रही है। रहने दो ये मकारी, बदनसीब नाशुकरी,
खुदा वो दिन लाए कि मेरी जगह तू हो और तेरी जगह मैं। कोई तेरे दिल पर भी छुरी चलाए तू दूर से तक कर, मैं कहूँ तू ना शुक्रिया है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे भाई से नफरत है, इस महल की हर चीज से नफरत है। मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से भी नफरत। बेशक मुझे इस जिंदगी से नफरत है जिससे नहीं मानती। चाहे मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, मौत भी दूर नहीं मान भी दूर। शेरगुल वही कुर्बान है मेरजादी। क्या भाईजान इस कुम्हारन से जबरदस्ती शादी करके लाए हैं? कुछ बिल्कुल नहीं, वो तो बाजा गाजा और नाच गाना के साथ शादी करके लाई है। मुल्ला लोक ने उसका निकाह पढ़ाई है और उसका बाप ने अपना हाथ से उसको डोले में रखी है। तो कुमार झूठ बोलते हो, छुपाते हो, वो तो किसी महीवाल से मोहब्बत करती है। तो कुछ आप जना ठीक कहती है, हमको तो खाने हाली मना करती है। मगर ये महीवाल कौन है? वो कुछ आप जनाब नहीं जानते, वो महीनावाल वो सौदागर का बच्ची है जो आपको पत्थर दिखाती है। उसका नाम खुदा ही मालूम, बेइज्जत और कचे बेइज्जत इज्जत बेग। तुम जा सकते हो? तो कचे बिल्कुल जा सकती। अब बाजी का रुख बदला है, सोनी और महीवाल के दरमियान हक में गुजरात हाल है। मेरे और इज्जत के दरमियान कोई सोनी नहीं, मैं इज्जत की हूँ और इज्जत मेरा। शबनम आज हम बहुत खुश हैं। इश्क की नियाजमंदी हुस्न की बारगाह में बारियाबी की इजाजत चाहती है। हम आपसे मुखातिब हैं मलिका, हमारी तरफ देखो, हमसे आंखें मिलाओ। खबरदार तू मुझे छोड़ रहो मुझसे। सहे किस्मत आपने बात तो की, झिड़की ही सही। अब हिजाब के पर्दे उठा दो, हम तुम्हारे और तुम हमारी हो चुकी हो। मैं कयामत तक तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरा वही है जिसके लिए मैं जी रही थी और जिसके लिए मरूंगी। वो दो टके का जलील महीवाल जिसे हम खाक समझकर फूंक से उड़ा सकते हैं। तुम महीवाल की खाक तो क्या उड़ाओगे, तुम भी अपने दूर उड़ जाएगी। तुम अपने खाविन के खूब से गद्दारी कर रही हो, मत भूलो तुमने हमारी बीवी बनने का इकरार चार गवाहों के सामने किया है और हमारा निकाह बाकायदा हुआ है। नादान हाकिम, फकत चार कलमे दोहरा देने का नाम निकाह नहीं। एक बेबस और मजबूर लड़की की गर्दन जबरदस्ती पकड़कर हिला देने का मतलब इकरार नहीं। इकरार जबान से किया जाता है और मेरी जबान पर उस वक्त महीवाल का कलमा जारी था। सोहनी, तुम बार बार उस नाहंजार का नाम लेकर हमारे गुस्से का मुंह चढ़ा रही हो। याद रख, हम तेरे महीवाल को तेरी आंखों के सामने मौत की चक्की में पीस देंगे और उसके बाद तुझे भी। हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद ही रंग लाती है। मेरे सीने पर एक से एक बढ़कर जख्म लगाओ और फिर देखो कि मेरे लहू की हर बूंद महीवाल का नाम लिखती हो या नहीं। मार डाल उसे ताकि मोहब्बत जिंदा हो जाए, मार डाल मुझे ताकि वफा सुरखरू हो जाए। आज मैं देखता हूँ कि मेरे अरमान पूरे होते हैं या तेरी वफा सुरखरू होती है। तू अपने जुल्म सितम को पुकार और मैं उसके कर्म को पुकारती हूँ। तू अपनी शैतानी ताकतों को बुला और मैं अपने खुदा को आवाज देती हूँ। आज की रात मेरे और तेरे दरमियान न कोई आसमानी ताकत आ सकती है न जमीन की। या खुदा महीवाल की अमानत को बचा, परवरदिगार मेरी मदद को आ, वरना मोहब्बत रुस्वा हो जाएगी और दुनिया कहेगी कि मोहब्बत वालों का खुदा कोई नहीं। अब मैं देखता हूँ मेरे पंजे से कौन छुड़ाता है। मेरे महीवाल को अपने हाथ से खाना खिलाया करें। तुम्हें सोनी की कसम, खा लो महीवाल। सोनी की कसम खाऊंगा। तबीयत खुद ब खुद घबरा रही है, उसे शायद मेरी याद आ रही है।
जाए साजना कभी आ दुखिया के द्वार हुए जल थल रो नैनवा मेरे मन ते चले कसार तेरी याद सताए साजना लेना मेरी याद से तेरा बिक गया उजला रूप तेरा बिक गया उजला रूप तेरे महल में ठंडी चांदनी हो चांदनी तेरे महल में ठंडी चांदनी मेरे भाग में तकती हूँ आ तेरी राह में चुन दी गैर ने एक सोने की दीवार सोने की दीवार तेरी याद सताए साजना मेरे पांव में जुल्म की फेरियां मेरे पांव में जुल्म की फेरियां तुझे कैसे करूं तलाश तुझे कैसे करूं तलाश कभी तू भी माफ कर देख ले कभी तू भी माफ देख ले मेरी चलती फिरती लाश प्यार का मेरे दिल पे टूटे तार तेरी याद सताए साजना तेरे हार सिंगार की खैर हो मेरी आँखों को पहचान मेरी आँखों को पहचान तेरे दर पर लुटने आ गया एक परदेसी मेहमान मेरा दामन भर दे या मुझे मेरा वापस कर दे प्यार तेरी याद सताए साजना ओ भोलना ओ साजना भोलना साजना मुझे इन दीवारों के पीछे पुकार रहा है मुझे जाने दो मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ मेरे मेहमान को मेरा इंतजार होगा बानो मेहमान आपकी मोहब्बत है और खाने वाली फर्ज फर्ज पर मोहब्बत को कुर्बान कर दो मालूम होता है तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की सच्ची और पाक मोहब्बत तो इंसान की इबादत है जिस पर तमाम फर्ज कुर्बान किए जा सकते हैं मुझे जाने दो शब्द तो वीरान दिल तुम्हें दुआ देगी अच्छा बानो आप भी क्या याद करेंगे कि दरिंदों के इस मस्कन में एक औरत मौजूद थी जाइए आपकी मोहब्बत पर मेरी जिंदगी कुर्बान है तुम कितनी अच्छी हो शक्ति भाईजान भाईजान शर्मा नमक हराम निकली
उसने आपकी बेगम को महल के बाहर जाने का रास्ता दे दिया। क्या कह रही हो तुम? ताकि वो रात भर नहीं वाले ऐसी गुलछर्रे उड़ाए। कहाँ है वो नमक हराम? क्या ये सच है कि तुमने सोने को महल से बाहर जाने का धोखा दिया? अनीस खतावार है अली जयराम, तेरी ये बता, तुझे अपनी जान का खौफ तक ना आया? जान की परवाह न करने वाला एक ही बार मरता है और जान का खौफ रखने वाला रोज रोज मरता है और जीता है। तुम्हें की पाप और बेलौस मुहब्बत के लिए ऐसे हजारों जाने फिदा है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें जिंदगी नहीं याद करते, हम तुम्हारी शबनम, वो अब हम लोग इधर नहीं रहेगी, इधर से चले जाएगी। कभी ने बदमाश ले जा के याद है सोनी 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 कंकर खरीदने वाले सौदागर, क्या अभी तुम्हारा गुरु टूटा या नहीं? ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतारते, इस गुरूर का यही कमाल है कि इसे जवाल नहीं। मेरी मोहब्बत के इस गुरूर को तुम और तुम्हारा भाई चक्के लगा सकते हो, सदमे पहुंचा सकते हो, लेकिन इसे फना नहीं कर सकते। अपने आप पर तरस खाओ और आंखें खोलो। जिसके लिए तुम अपनी अनमोल जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, दगाबाज कुम्हारजादी तुम्हारी भी तो न बन सकी। खबरदार, सोने की शान में कुछ न कहना, वो मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। कौन है जो सोनी को महिवाल से जुदा कर सके? अब उसका ख्याल छोड़ दो, तुम तलवार की धार पर खड़े, एक कदम पर जिंदगी और एक कदम पर मौत, और उनके दरमियान रात भर का फासला, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी या मौत। मौत खुद भले बमीरजादी, तुम्हें क्या मालूम कि मोहब्बत अपना खून पीकर जवान होती है और मोहब्बत की मौत उसकी जिंदगी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। इज्जत, मैं तुम्हारी गुस्ताखियां भी अपनी मोहब्बत का इनाम समझकर अपने सीने से लगा ली। खामोश, मोहब्बत का लफ्ज बार बार जुबान पर लाकर इस पाकीज़ा जज्बे की तौहीन न करो, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। ना शुक्र सौदागर, तुम एक शिकस्त खुर्द औरत के इंतकाम की बिजली से टकरा रहे हो। रहने दो ये धमकी, मोहब्बत करने वाले बिजलियों से नहीं डरा करते, बिजली उनसे पनाह मांगती। तुमने बिजली की चमक देखी है मगर उसे टूटते नहीं देखा, और ये नजारा तुम कल देख लो। पठान बाबा, क्या है भाई? खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे दोस्त से मिला दीजिए। शबनम, तुम ही मेरी सिफारिश करो ना। वो चिकाला भाई, वो हम शबनम का सिफारिश है, वो तुम्हारा जरूर मदद करती है। बच्चे हम पठान का बच्ची, जिसको जबान देती है उसके वास्ते अपना खाना खराब करती है। मैं आपका ये एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगा। हाँ मत भूलो। आप सोच कह रहे हो, कोई तरकीब निकालो ना। बोचे मैं निकालू? बोचे हमारा जान, हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा अकुल, बोचे सब कुछ तुम। ओ, तुम सोचो। मैं सोचो? ओ, तुम नहीं सोचो। ए, ताला भाई तुम सोचो। हाँ बाबा, अगर मैं सोच सकता तो आपको क्यों कहता? ओ वही वही हमारे मकसद में बेटा, आज तुमने हमको सोचने को बोला। हाँ जानी जानन, हमारा मगज बिल्कुल बंद है, कुछ तुम सोचे। आ गई, आ गई शहजादी साहब, आ गई। ए नहीं, तरकीब। ओ खुदा पामान। ए जी, तेरा मुंह इधर करो। ओ काला भाई, तुम मुंह उधर करो। और इधर करो थोड़ा और।
ए मुंह नहीं कान। पूछे क्या आती वही कुर्बान को तुम्हारा मगज में और हमारा मगज में नाशपाती पूछे खूब दोस्त है वही कुर्बान पूछे हम अपना शबनम जान को शबनम खान बनाती है बर्फी मैदान बनाती है छोड़ो इन बातों को जल्दी करो कुछ जल्दी का काम शैतान का है वो मुझ बड़ा कीटे लगती नहीं है इसका मकसद में बटा कसूर वहाँ पहुँच गया होगा हा? कहीं नहीं माल बेचारा मारा ना जाए तुम भी लगाओ लगाती है हमें उम्मीद है कि अब तुम्हारे इश्क का बुखार उतर चुका होगा भूल है तुम्हारी मोहब्बत की हरारत पहले से दुगनी हो चुकी है ने मेरे दिल में सुलगती हुई आग को अपने दामन से हवा दी है अब ये भड़क उठी है मैं तो जल ही रहा हूँ मगर तुम्हारी उम्मीदें भी खाकिस्तर हो जाएंगी तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो बेवकूफ तुम हमारी ताकत और इख्तियार का अंदाजा गलत लगा रहे हो हम जिस आग को अपने हाथों से जला सकते हैं उसे अपने पैरों से बुझा भी सकते हैं अब भी वक्त है बाहर आ जाओ दीवानगी से और उसका ख्याल छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं रही वो तुम्हारे बस की नहीं सोनी मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी गुजरात के लुटेरे हाकिम तुमने एक परदेसी की अमानत लूटी है तुमने दो दिनों की दुनिया उजाड़ी है तू हाकिम नहीं बेईमान लुटेरा है हम तुम पर रहम करना चाहते थे और मैं तुमसे रहम नहीं चाहता अपना हक मांगता हूँ इंसाफ चाहता हूँ और इंसाफ यह है कि लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो तो गोया तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ये जिद ही तो मेरी मोहब्बत की आन है बेदर्द हाकिम अगर ये जाती रही तो बाकी क्या रह जाएगा हम ये देखते हैं कि यान कितनी देर की मेहमान है चला लो अजाब का शिकंजा और कसो और इतनी जोर से कसो कि इसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगे मुझे मौत से हमकिनार कर दो लेकिन याद रखो मेरी लाश से भी सोनी सोनी की आवाज आएगी हुक्म की तामील हो
हजूर में पानी में ऐसा डूबा कि फिर उबर न सका। तो गोया हमारे हुकुम की तामील मौत के फरिश्ते ने कर दी, तुम जा सकते हो। मेरा खत किसी और ने तो नहीं पढ़ा था? नहीं, उसने तुम्हारा खत सोने के हाथ में दिया था। और कुछ कहा उसने? हाँ, उसने कहा है कि तुम हल्की तरफ न आया करो, मैं खुद खंडर में तुमसे मिलने आ रही हूँ। कब आएगी वो? आज रात को। आज रात को? मैं अपनी सोनी के लिए क्या तोहफा ले जाऊं? हाँ, मछली, मेरी सोनी को मछली बहुत पसंद है। लो खा लो। आज इसने मछली का सा मजा नहीं है। सच बताओ मैं तुम्हें मेरी कसम, ये क्या है? आज कोई मछली नहीं मिली सोनी। तो फिर ये क्या लाए? अपनी रान की मछली। क्या? ये तुमने क्या किया? अपने आप को जख्मी करता है। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? मुझे अपनी तकलीफ का तो कोई गम नहीं सुनी। गम है तो ये है कि तुम हरम में बदमजा हुआ। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरा गोश्त मेरे महबूब को पसंद ना आया। नहीं वाह, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मोहब्बत के परचम को आसमान तक बुलंद कर दिया है। तुम्हारा आंखों से लगाने के काबिल है। अब वो वक्त करीब है सोनी, जबकि खुदा की रहमतें हमें इस तरह अपनी गोद में ले लेंगी जैसे समंदर दो नदियों को अपनी आगोश में छुपा लेता है। उसी खुदा की रहमत है जिसे दुनिया खुदा कहती है और मोहब्बत वाले खुदा को मोहब्बत कहते हैं। उसी खुदा से दुआ करता हूं, मैं मर जाऊं मगर जिंदा रहे तू दारे फानी में, मेरा भी जिक्र आ ही जाएगा तेरी कहानी। तुम मर गए तो सोनी जिंदा रहेगी। जानते हो सोनी तुम्हें क्या समझती है? बंदा ना मोहब्बत में खालिक से जुदा होगा। मैं तुमको खुदा कहती गर हुक्म में खुदा होगा। अब जा रही हूं, कहीं कोई मेरी तलाश में ना रहा। तुम मुझे जी भर के देखो, मोहब्बत की हर मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझना चाहिए। कल से तुम ना, मैं आऊंगी तुम्हें मिलने। इतना बड़ा दरिया तैर कर कैसे आओगी सुनी? खंडर के पीछे बहुत से घड़े पड़े रहते हैं, उनमें से किसी पर तैर कर आ जाऊंगी। कहीं कोई कच्चा घड़ा ना उठा लेना। मोहब्बत की आग जो समुद्रों को फूंक देती है, क्या वो एक कच्चा घड़ा ना पका सकेगी? हमने तो उसके दरवाजे पर संगीन का पहरा लगा रखा है। भाई जान, वो इतनी चरम जुबान है कि आपके पहरेदारों की संगीन अपने रास्ते से हटा देती है। परवीन,
तो आज से हम ऐसे पहरेदार बिठा देंगे जिनके दिल पत्थर के होंगे, जबान पत्थर के होगी और वो खुद पत्थर होंगे। दिख रहा ये हम